दोस्तों YouTube चैनल वेब हल इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सबसे पहले जो बात करेंगे हम दोस्तों वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, केवल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी होना चाहिए। इसके बाद जो है दोस्तों एज लिमिट एक रखी गई है, वो है 16 से 59 के बीच का व्यक्ति होना चाहिए इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों आया है आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका इनकम इस हद तक नहीं होना चाहिए कि उनको आयकर देना पड़े, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। EPFO या फिर ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है वो है सबसे पहला कि आपका जो आधार कार्ड है यानी कि आधार नंबर चाहिए होगा। इसके बाद दोस्तों एक एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर जो कि आपके नाम पे होनी चाहिए। इफ़ लिंक्ड विद आधार नो नीड टू एंटर इट, अगर आधार के साथ लिंक्ड है तो इसकी एंट्री जो है वो ज़रूरी नहीं होता है। चलिए इसके बाद दोस्तों आता है एक एक्टिव मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ एक एक्टिव मोबाइल नंबर होनी चाहिए, साथ ही साथ वो बेहतर है अगर वो मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ हो। इसके बाद दोस्तों आता है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास है तो आप ये भी सब भी जो है अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि है कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड स्किल सर्टिफिकेट, ये सब दोस्तों जो है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं उस वेबसाइट के ओर जिसमें हम जाके ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको खोल लेना है ये वाला वेबसाइट, जैसे कि है register.ishram.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों ये जो साइट है दोस्तों इसमें है सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया दो है दोस्तों, एक तो आप खुद से कर सकते हैं, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपका जो आपकी नज़दीकी CSC सेंटर है आपको CSC सेंटर में अप्रोच करना होगा। CSC ऑपरेटर्स है जो आपको रजिस्ट्रेशन करा देगा निःशुल्क दोस्तों। तो दोस्तों सेल्फ रजिस्ट्रेशन के सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से अगर लिंक्ड हो तो वो बेहतर है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डालेंगे जो मोबाइल नंबर अपने पास है उसको हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ एंटर ये कैप्चा जो है आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आर यू ए मेंबर ऑफ, ये दो जो चीज़ है एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चूज करना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है या नहीं, या फिर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आप सदस्य है कि नहीं, इसमें आपको टिक करना है। तो ये जो है जैसे कि एलिजिबिलिटी, इसमें आपको नो रहना ही ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो OTP पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वहाँ पर एक OTP आ जाएगा। तो दोस्तों OTP की जो बोली वैलिडिटी है वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए रहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आपको यहाँ पे OTP जो है वो डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इंटरफेस आपको देखेगा, यहाँ पे क्या बता रहा है दोस्तों, आधार नंबर। या दोस्तों यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, आधार नंबर डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेंट फॉर्म जो है वो आप हिंदी या इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आधार से रिलेटेड जो भी जानकारी आपका कॉन्सेंट देना है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एग्री का जो बटन है दोस्तों वो ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है, क्योंकि ये टिक करना ही है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको बस सिंपली अभी सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक और एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा जो आधार के ऑथेंटिकेशन के लिए हैं, जो कि आपके आधार के साथ जो मोबाइल लिंक है उसमें भेजा गया है, तो उसको आप यहाँ पे सिंपली डाल दीजिए और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है वो वैलिडेट हो चुका है। अभी आधार जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप है फॉर्म का, ई श्रम कार्ड के फॉर्म का, उसका जो पहला स्टेप है वो यहाँ पे आ चुका है, जिसमें आपका जो आधार डिटेल्स है वो पूरा यहाँ पे दिखाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे डिटेल में दिखा रहा है। अभी नीचे स्क्रॉल करके आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एग्री का बटन है उसको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू टू एंटर टू अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों सबसे पहला जो कि मोबाइल नंबर है वो प्रीफिल्ड है, हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक अल्टरनेट नंबर दे तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद दोस्तों आएगा मैंडेटरी फील्ड है मैरिटल स्टेटस जो कि है, अगर मैरिड है मैरिड डाल देना। इसके बाद आता है दोस्तों फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड के मुताबिक ही आप फादर नेम डाल दीजिए। इसके बाद सोशल कैटेगरी में आपका कौन सा है, कास्ट क्या है आपका, वो डाल देना है। अगर ब्लड ग्रुप है आपका पास तो वो ब्लड ग्रुप आप यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है। डिफरेंटली एबल्ड यानी कि आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो यहाँ पे आप यस जो है वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको नो करके छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स भी दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भरना बेहतर है, तो इसके लिए आपको यस कर देना है। यस करने के बाद सबसे पहला जो चीज़ है, तो हमारे पास नॉमिनी डिटेल्स अवेलेबल है, तो नॉमिनी डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड क्या क्या भरना होगा, अगर ये डिटेल है तभी आप भरिएगा। जो सबसे पहला है नाम है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि मैंडेटरी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आता है जेंडर, इसके बाद आता है दोस्तों रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है इनके साथ वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको भरना है रेजिडेंशियल डिटेल्स, कहाँ आप रहते हैं उसका डिटेल यहाँ पे डालना है, जैसे कि आप जो अपना स्टेट है वो आसाम है। इसके बाद आपका अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। लोकेलिटी चकरागांव जो कि दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऑलरेडी आधार के साथ लिंक हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों आया स्टेट, फिर से आपको स्टेट यहाँ पे चूज़ करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है, एंड देन सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आपको चूज़ करना है। मैंडेटरी हालांकि मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपका एड्रेस डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, अभी आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप इस लोकेशन पर कब से हैं उसको डिटेल आपका यहाँ पे भरना है, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, कितने दिन से, मोर देन 25 इयर्स दोस्तों, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। इसके बाद अगर माइग्रेंट वर्कर है तो दोस्तों यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर किसे कहा जा रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके जो काम कर रहे हैं और जिनकी सैलरी 18,000 से कम है, काम की वजह से दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं अपने स्टेट से और उनकी सैलरी 18,000 से कम है, वही माइग्रेंट वर्कर में पकड़ा जाता है। अगर आप माइग्रेंट वर्कर है तो आपको यहाँ पे यस डाल देना है। यस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप माइग्रेशन किस लिए कर रहे हैं, वजह क्या है, बिजनेस है, एजुकेशन है या फिर काम के लिए गए हैं, तो वो रीज़न जो है आपको यहाँ पर डाल देना है। फिलहाल जो है ये माइग्रेंट वर्कर नहीं है तो इसको हम नो ही कर देते हैं। इस परमानेंट एड्रेस से एमएस कारेंट एड्रेस, जो एड्रेस आपने ऊपर डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस अगर है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे जो आपका कारेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पे डाल देना होगा। तो फिलहाल सेम है इसलिए हम सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसकी डिटेल्स यहाँ पर डालना है। अगर आप जिस कैटेगरी में जहाँ तक आपने पढ़ा है उसी मुताबिक आपको यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना है। फिलहाल ये प्राइमरी तक पढ़ा है तो प्राइमरी डाल देते हैं। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल देना है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद मंथली इनकम आपका क्या है, यहाँ पे स्लिप्स दिया गया है तो फिलहाल जो है 10,000 से नीचे हैं ये हम डाल देते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। इसके बाद सेव कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी आया है दोस्तों ऑक्यूपेशन एंड स्किल, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्लिक व्यू एनसीओ कोड, यहाँ पे आपका एनसीओ कोड के साथ आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे डाल देना है। अगर आप जो आपका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे टाइप करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, आप वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे दिक्कत हो रहे हैं तो आप यहाँ आई बटन पे जाके जो लिस्ट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरा लिस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे एनसीओ कोड के साथ आपका जो आप किस फील्ड पे काम करते हैं वो फील्ड और सेक्टर का नाम जो है एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल है, किस सेक्टर पे आप है वो डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। तो दोस्तों ये पूरा लिस्ट है जहाँ से आप इसको पिकअप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन एक। अगर यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है, कॉन्क्रीट का काम है, तो हम यहाँ पर जैसे डाल देते हैं कॉन्क्रीट
तो कंक्रीट के ऑप्शन में जितने भी चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन में दिखाएगा, जैसे कंक्रीट प्लेसर, कंक्रीट फ्रीशर एंड रिलेटेड वर्क्स, ये सिर्फ सिंपल क्लिक करके आपको यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन ईयर्स, आप इस फील्ड में कितने दिन से काम कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपका कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में दोस्तों आप डाल सकते हैं अगर आपका कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, जैसे कि फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रोथ, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में हमने डाल दिया। इसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, आपका जो ये स्किल है इसने आपका ये कैसे प्राप्त किया आपने, वो आपको यहाँ पे डालना है। रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो यहाँ पे डालना है, अगर नहीं लिया है आपने कोई ट्रेनिंग तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका सब स्किल, सब स्किल में क्या है आपका, कैसे किया है आपने, खुद से सीख सकते हैं या आप जॉब से सीख सकते हैं, आपका क्या ऑप्शन चाहिए, आप जो भी चूज़ करना चाहिए यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, बेटर रहेगा दोस्तों सेल्फ लर्निंग कर देते हैं। इसके बाद स्किल टू बी अपग्रेडेड, अगर आप कोई ट्रेनिंग के ज़रिए आपका जो स्किल है वो अपग्रेड करना है तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे डाल लेना है आपका बैंक डिटेल्स। तो सबसे पहला है जो पहला ऑप्शन क्या है, बैंक सीडिंग विद आधार, अगर आपका जो है आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ सीडिंग नहीं है तो यहाँ पे नो ऑप्शन बता रहा है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट जो है वो कन्फर्म करना है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दोस्तों IFSC कोड भी आपको यहाँ पे डाल देना है और आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका बैंक का नाम और आपका जो ब्रांच नाम है वो खुद ब खुद यहाँ पे दिखा रहा है। अभी सेव और कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ दोस्तों आपका जो फॉर्म है, फॉर्म का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पे है। आप फॉर्म को एक बार रिव्यू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए सब डाटा सही है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका ये जो फॉर्म है आप यहाँ से प्रिंट भी करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, ये पूरा जो डिटेल्स है हमको एक बार चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन दोस्तों क्या है ये डिक्लेरेशन को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जो है आपका अंडरटेकिंग जो है इसमें आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ दोस्तों फिर से आपका वेरीफाई होगा OTP के साथ, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला है उस नंबर पर ही OTP आ जाएगा। आपको बस इस OTP को यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो OTP वेरीफाई हो गया है, अभी फिर से आपको क्या कर देना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये फाइनल स्टेप है दोस्तों। इसके बाद जो है आपका जो कार्ड है वो इशू हो जाएगा और आपका जो UAN नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो इशू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन एज अनऑर्गेनाइज वर्कर, योर UAN नंबर हैज़ बिन सेंड बाई SMS। और ये जो नंबर है वो आपके मोबाइल पे, UAN नंबर जो है वो मोबाइल नंबर पे भी आपको SMS के ज़रिए भेज दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका जो कार्ड है वो बन के आ जाएगा। आप इसको अभी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका ईश्रम कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है और इसको आप अभी प्रिंट करा के आपका एक आई कार्ड के तौर पर आप रख सकते हैं या फिर आप PVC कार्ड में भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। आई कार्ड के फॉर्मेट ही दोस्तों, आई कार्ड के फॉर्मेट में ही ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसको आप सिंपली प्रिंट करा के लेमिनेशन भी करके आपके साथ रख सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हम हमेशा आपके साथ जुड़े रह सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।